भारत सरकार के रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु के हाथों हुआ विकास कार्यों का भूमि पूजन। वलसाड जिले के उदवाड़ा में मंगलवार को भारत सरकार के रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु ने दौरा कर गुजरात राज्य में अलग अलग जगहों पर रिमोट के जरिए विकासीय कार्यों का लोकार्पण किया था। वहीं वलसाड जिले में रेलवे द्वारा बनाए जा रहे करीबन 4 जितने ओवरब्रिज निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए जो 400-500% ज्यादा हम लोगों ने रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सालाना जो बजट हुआ करता था उसमें बढ़ोतरी की है। काफी गेज कन्वर्जन में तो गुजरात सबसे आगे है, क्योंकि गुजरात में बहुत बड़े मात्रा में मीटर गेज थी। विद्युतीकरण का भी काम बड़ी तेज से हो रहा है और गुजरात के सभी इलाकों में इसी तरह का काम पूरे गुजरात में अलग अलग जगह पर हो रहा है। आज हम लोगों ने बहुत सारी परियोजनाओं की शिलान्यास किया, नई परियोजनाओं को हरा झंडा दिखाया। अहमदाबाद से चेन्नई जाने के लिए एक अच्छी हम सफर ट्रेन निकलेगी, साथ ही में यहाँ पे 4 आपके लिए एक उड्डान पुल बनेंगे, रेलवे लाइन का नई डबलिंग का जो काम पूरा उसका भी होगा, एक साबरमती में एक यात्रियों की सुविधा के लिए कार्यक्रम किया गया। यानी बड़ी मात्रा में रेल में हम लोग जो सुधार कर रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा लाभ गुजरात को मिलेगा। गुजरात में पहले सालों से कुछ भी पैसा दिया सही माने में नहीं दिया गया था, उसको भी हम दूर करने के लिए लगे हुए और हमने गुजरात सरकार के साथ एक कंपनी भी बनाई है और वो कंपनी के तहत और सारी योजना इससे अलावा जो मैंने अभी फिगर दी उससे अलावा भी और सारी योजनाएँ बनेंगी। सूरत में एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का काम बहुत जल्दी शुरू होगा। गांधीनगर में स्टेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा 5-7 स्टार होटल हमारे सम्माननीय पंतप्रधान जी ने उसका शिलान्यास किया था 9 जनवरी को, उसका भी काम हो रहा है। यानी सभी मात्रा में रेल में काम हो रहा है। यहाँ पे लोगों की जो दिक्कत है कुछ लोगों ने अपने सुझाव भी दिए, ट्रेन रुकनी चाहिए नॉर्थ में जाने के लिए, साउथ में जाने के लिए, सबके ऊपर हम भी विचार करेंगे।